नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भारतीय करेंसी पर। जानती जाती है पुराने नोट व सिक्कों की सही जानकारी। मैं हूं आपका दोस्त महेश प्रजापत। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक रुपये की कीमती दो नोट की बात करने वाले हैं, जिसमें एक नोट की कीमत 12,000 रुपये तक जाती है, वहीं दूसरे नोट की कीमत 4,000 रुपये जाती है। दोस्तों, ये एक रुपये का नोट सबसे ज़्यादा कीमती और सबसे ज़्यादा रेयर नोट है। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसे एक रुपये के नोट है तो इन नोटों में से आप कैसे पहचान सकते हैं कि रेयर नोट है? इन रेयर नोटों की पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना, स्किप ना करना। स्किप करने से पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी, इसलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो होने वाली है खास। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल रंग के बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल बटन को भी दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और सबसे पहले आप हमारा वीडियो देख सके। बात करते हैं एक रुपये के पहले नोट की, जो जारी हुआ था 1957 में। इस नोट पर जो हस्ताक्षर हैं वह एल के झाके हैं। दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि एक रुपये के नोट पर जो हस्ताक्षर होते हैं वो वित्त मंत्रालय के सचिव के होते हैं, जबकि 2 रुपये से लेकर 2,000 रुपये तक के नोट पर जो हस्ताक्षर होते हैं वो आरबीआई के गवर्नर के होते हैं। इस एक रुपये के नोट को रेयर बनाती है वो है 4 बातें होती हैं। पहला ईयर होता है, दूसरा हस्ताक्षर, तीसरा प्रीफिक्स और 4 नंबर पर आता है इंसर्ट। अगर ये चारों बातें एक नोट में हो, रेयर बनाती है। रेयर के साथ ही इस नोट की कीमत बढ़ जाती है। इस एक रुपये की डिजाइन की बात करें तो सामने बिग कॉइन दिखाया गया है और उसकी लेफ्ट साइड 1 रुपी और 1 रुपया हिंदी और अंग्रेजी में लिखा गया है। ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा गया है, सीरियल नंबर दिखाए गए हैं नीचे, और हस्ताक्षर एल के झाके दिखाए गए हैं और वाटरमार्क विंडो दिखाई गई है। रिवर्स साइड की बात करें तो रिवर्स साइड में बिग कॉइन दिखाया गया है, जिसमें ईयर दिखाया गया है और ऊपर अंग्रेजी में लिखा गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और 7 भाषाओं में 1 रुपया लिखा गया है, और कॉइन के नीचे 1 रुपया हिंदी और 1 रुपी अंग्रेजी में लिखा गया है और वाटरमार्क विंडो दिखाई गई है। दोस्तों, इस 1 रुपये के नोट पर जो हस्ताक्षर हैं वो एल के झाके हैं। एल के झाके 4 तरीके के नोट जारी किए गए थे। बी इंसर्ट, जो 1957 में जारी किया गया था, सी इंसर्ट, जो 1957 में जारी किया गया था, डी इंसर्ट, जो 1957 में जारी किया गया था, और ए इंसर्ट, जो 1963 में जारी किया गया था। अब उस रेयर इंसर्ट की बात करें जो 1957 में जारी किया गया था, 1 रुपये के ऊपर बी इंसर्ट होना चाहिए, जो यहाँ पर ए दिखाया गया है यहाँ पर बी होना चाहिए, और प्रीफिक्स वाई होना चाहिए, यहाँ पर जे की जगह वाई प्रीफिक्स होना चाहिए, और जो हस्ताक्षर है वो एल के झाके होने चाहिए। इस 1 रुपये के नोट की कीमत की बात करें तो एक नोट की कीमत 4,000 रुपये तक जाती है। अगर इस नोट के बंडल की कीमत की बात करें तो कीमत जाती है 4 लाख से 5 लाख रुपए तक। एल के झाके हस्ताक्षर वाले 1 रुपये के दूसरे नोटों की बात करें जो सी इंसर्ट, डी इंसर्ट और ए इंसर्ट में जारी किए गए थे, इन नोटों की कीमत जाती है 150 रुपये से लेकर 200 रुपये तक। अब बात करते हैं इस वीडियो के 1 रुपये के दूसरे नोट के बारे में। 1 रुपये का नोट जो सबसे महंगा और सबसे ज़्यादा रेयर नोट है, इस नोट पर जो हस्ताक्षर है वह एस भूतलिंगम के हैं। ये नोट 2 तरीके की डिज़ाइन में जारी किए गए थे। इन नोटों की डिज़ाइन की बात करें तो एक डिज़ाइन बिल्कुल पहले वाले नोट जैसी है, जबकि दूसरे डिज़ाइन में परिवर्तन किया गया है। इन दोनों डिज़ाइन में अंतर देखें तो इनके कलर में परिवर्तन किया गया है। दूसरा परिवर्तन सेंटर में 1 रुपी 1 रुपया के डिज़ाइन में परिवर्तन है। वाटरमार्क विंडो में भी परिवर्तन दिखाई देगा आपको, और जो सीरियल नंबर लिखे गए हैं राइट साइड से लेफ्ट साइड कर दिए गए हैं। ये 1 रुपये के नोट के 3 तरीके के अलग अलग साल में जारी किए गए हैं। पहला नोट
एस बुथलिंगम का 1964 में आया था। इस नोट का जो इंसर्ट था वो था बी। दूसरा नोट एस बुथलिंगम का 1965 में आया था जिसका इंसर्ट था बी। तीसरा नोट आया एस बुथलिंगम का, उसका जो इंसर्ट है वो था प्लेन इंसर्ट और ये 1966 में जारी किया गया था। अब बात करते हैं उस कीमती नोट की जो आज तक के 1 रुपये के नोट में सबसे ज़्यादा कीमत रखने वाला एक रेयर नोट है। इस 1 रुपये के नोट में वो नोट है 1964 का नोट बी इंसर्ट। इस नोट का इतना रेयर होने का कारण है ये नोट बहुत ही कम मात्रा में 1964 में जारी किए गए थे जिसका प्रीफिक्स था ए। इस एक नोट की कीमत की बात करें तो इस एक नोट की कीमत 12,000 रुपये तक जाती है अगर यूएनसी कंडीशन में हुआ तो। अगर ये नोट फाइन कंडीशन में है तो इस नोट की कीमत कम से कम 3,000 रुपये तक है। 1964 के नोट की बंडल की बात करें जिसके अंदर पूरे 100 नोट होते हैं, ऐसे 100 नोट की कीमत 12 से 14 लाख रुपये तक जाती है। दोस्तों एस बुथलिंगम के सभी नोट रेयर नहीं है, 1965 और 1966 में भी जारी किए गए थे नोट। उनकी कीमत की बात करें तो सबसे पहले 1965 की बात कर लेते हैं तो 1965 के एक नोट की कीमत जाती है 100 रुपये से लेकर 200 रुपये तक। वहीं 1966 के नोट भी नॉर्मल नोट ही है, ऐसे एक नोट की कीमत जाती है 50 रुपये से लेकर 100 रुपये तक। दोस्तों इन नोटों की प्राइस मैं आपको गाइड बुक से भी दिखा देता हूँ। जो गाइड बुक है 1920 की, इसके अंदर जो 1957 का नोट है एल के झा का सिग्नेचर वाला बी इंसर्ट जो प्रीफिक्स है वाई, और इस एक नोट की कीमत है 4,000 रुपये तक। और जो अन्य नोट हैं सी नोट, इसकी कीमत 200 रुपये दिखाई गई है, 100 रुपये। अब बात करते हैं एस बुथलिंगम वाले, इस नोट में जो दिखाई गई है कीमत वो देख लीजिए। 1964 में जारी किया गया नोट जिस पर सिग्नेचर एस बुथलिंगम के हैं, बी इंसर्ट है और प्रीफिक्स ए, इस एक नोट की कीमत 12,000 रुपये तक है। और जो अन्य नोट हैं जो 1965 और 1966 में जारी किए गए थे, 1965 की नोट की कीमत है 200 रुपये, वहीं 1966 के एक नोट की कीमत 100 रुपये दिखाई गई है, प्लेन इंसर्ट है। दोस्तों इस बुक की रेफरेंस से ये कीमत आपको बताई गई है ताकि आपको विश्वास हो कि हम जो जानकारी देते हैं हमारे चैनल पर वो बिल्कुल ही विश्वसनीय और सही जानकारी होती है। दोस्तों अगर आपके पास भी ऐसे नोट पड़े हैं तो उन पुराने नोटों में देखिए कि जो इस वीडियो में जो रेयर नोट बताए गए हैं वो कहीं आपके पास तो नहीं है, अगर हैं तो इस नोट की कीमत आपको अच्छी खासी मिल सकती है। दोस्तों अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट द्वारा पूछ सकते हो, और आपके पास ऐसे नोट हैं तो इसकी पिक हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भेज सकते हो और कमेंट में भी बता सकते हो कि ये नोट आपके पास है। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना और साथ में बेल बटन को भी दबा देना ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके और सबसे पहले आप हमारा वीडियो देख सकें। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।